दुनिया में पीटा, अब न्यूयॉर्क का नंबर, क्या टीम इंडिया के आगे पाकिस्तान फिर करेगा सिलेंडर? तो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये आठवीं टक्कर होने जा रही है। इससे पहले 7 मैचों में 6 बार भारत ने जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एक जीत 2021 में नसीब हुई थी। दोनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये इकलौती जीत है। सिर्फ 8 महीने पहले ही तो भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भिड़े थे और अब एक बार फिर दोनों टीम आमने सामने होने जा रही है। फिर भी ये मुकाबला पिछले किसी भी मुकाबले से ज्यादा अलग और ज्यादा खास है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान अपने अपने दूसरे मुकाबले में टकराने जा रहे हैं। ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार दोनों टीमें उस मैदान पर टकरा रही है जहां इससे पहले क्रिकेट खेला तक नहीं जाता था। पहली बार अमेरिकी जमीन पर दोनों देशों की टक्कर होगी, जहां भारत और पाकिस्तान के हजारों प्रवासियों को पहली बार अपनी अपनी टीमों को देखने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक मायनों से अलग इस मैच के टूर्नामेंट के लिहाज से ज्यादा मायने हैं। कम से कम पाकिस्तान के लिए तो ये मुकाबला टूर्नामेंट में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए बहुत अहम है। पहले ही मैच में उसे मेजबान अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले भी कई बार उलटफेर का शिकार होने वाली पाकिस्तानी टीम के लिए ये हार सबसे ज्यादा बुरी थी। ऐसे में अब उसे अगर अपने दम पर अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो भारत के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही होगी। ये काम हालांकि इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम तो फिलहाल जबरदस्त लय में दिख रही है। वार्म अप मैच में बांग्लादेश को आसानी से हराने के बाद भारत ने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में आयरलैंड को 96 रन पर ढेर कर बिना परेशानी के जीत दर्ज की थी। खास बात यह थी कि पहले ही मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल परिस्थितियों में एक दमदार अर्धशतक भी जमाया था। वहीं तीसरे नंबर पर आए ऋषभ पंत ने भी अच्छी पारी खेली थी। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन दोनों की काबिलियत और फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया को ज्यादा टेंशन नहीं होगी। वहीं दमदार फॉर्म के अलावा जो बात भारत के पक्ष में जाएगी वो है न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेलने का अनुभव। नेसो काउंटी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा पिच को लेकर है। असमान उछाल ने पहले ही बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया है। खुद रोहित शर्मा को पिछले मैच में चोटिल होकर बाहर जाना पड़ा था। ये पिच ICC के लिए परेशानी और आलोचना का कारण बन चुकी है और इतने बड़े मैच में भी सबसे ज्यादा नजर पिच पर ही रहेगी। हालांकि तेज गेंदबाजों ने जरूर यहाँ पर खूब मजे लिए हैं और उन्हें तो इससे पहले कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान ने इस मैच पर एक भी मैच नहीं खेला है और इसको लेकर टीम पहले ही परेशान है। वहीं दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक 7 बार मुकाबला हुआ है। पहले T20 वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 2 बार टक्कर हुई थी और फाइनल समेत दोनों मैच टीम इंडिया ने जीते थे। इसके बाद से अगले 5 में से 4 मैच भी भारत ने ही जीते हैं, यानी कुल 7 में से 6 बार टीम इंडिया जीती है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 2021 में ही भारत को हराया था, जो किसी भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ उसकी एकमात्र जीत है। वहीं इस मैच में सबसे बड़ी नजर विराट कोहली पर होगी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों में 308 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बड़े मुकाबले में किस टीम की जीत होगी? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से किस टीम की जीत होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।